गार्लिक मैगी की बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ सोल किचन चैनल के प्यारे प्यारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं, कुक टेस्टी कुक स्मार्ट। बहुत ही टेस्टी चिली गार्लिक नूडल्स या मैगी बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, किसी फ्राई पैन में, कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में थोड़ा सा 2 से 2.5 गिलास के करीब आप पानी को बॉयल कर लीजिए। फिर इसमें हम इस तरीके से डालेंगे मैगी। ये बाज़ार में बड़े इजीली अवेलेबल हो जाती है, बाकी आपकी चॉइस के ऊपर है, आप एक बनाना चाहें या 2 बनाना चाहें या इसको बिल्कुल तोड़ के बनाना चाहें। इसको अच्छे से डिप करने के बाद इसमें 1 चम्मच जाएगा वेजिटेबल ऑयल। थोड़ा सा जाएगा इसमें नमक। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें बॉयल होने तक के लिए कवर करना है। लगभग 5 मिनट तक मैगी को बॉयल करने के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। देखिए, मैगी हमारी बहुत अच्छे से जो है वो बॉयल हो चुकी है। अब गैस के फ्लेम को बंद करके हम इसे छान लेंगे। अब देखिए, बॉयल मैगी को एक छन्नी में छानने के बाद इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे कि इसमें हम 1/2 चम्मच के करीब ऊपर वेजिटेबल ऑयल डालेंगे, जिससे बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं एक दूसरे से, और इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम उसी कढ़ाई को या उसी पैन को हम अच्छे से एक बार ही क्लियर करके इसमें वेजिटेबल ऑयल डालेंगे, कम से कम 2 चम्मच। ऑयल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। ऑयल के अच्छे से गर्म होते ही इसमें बारीक कटा हुआ जाएगा गार्लिक, क्योंकि ये गार्लिक मैगी है इसलिए इसमें क्वांटिटी जो है गार्लिक की बहुत अच्छी डलती है। बाकी आपके चॉइस के ऊपर है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हल्का सा करेंगे हम सॉटे। गार्लिक के हल्का सा सॉटे करते ही इसमें डाइस किया हुआ जाएगा अनियन, इसको भी करेंगे इसमें अच्छे से मिक्स। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। प्याज के हल्का से सॉटे होते ही इसमें मैंने डाली है शिमला मिर्च, थोड़ी सी कटी हुई गाजर, बाकी वेजिटेबल्स आपके स्वाद के ऊपर है, आप कम या ज़्यादा या अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, और एक कटी हुई बीच में से हरी मिर्च। इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। यहाँ पर इस बात का ध्यान देंगे कि हमें अपनी इन वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करना है, बल्कि इसको हल्का सा हमें क्रंची टेस्ट में रखना है, इसलिए गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। वेजिटेबल्स के थोड़ा सा कुक होते ही देखिए, हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब डालेंगे रेड चिली सॉस, क्योंकि ये चिली मैगी है। आप चाहें तो इसकी जगह पर शेजवान सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। वन टीस्पून भर के इसमें जाएगी ग्रीन चिली सॉस। इसको वेजिटेबल्स में करेंगे अच्छे से मिक्स। 1 चम्मच भर के जाएगी टोमेटो केचप, इसको भी करेंगे इसमें अच्छे से मिक्स। देखिए, एक छोटा 1/2 चम्मच के करीब जाएगा इसमें सोया सॉस, इसको भी इसमें मिक्स करेंगे। क्योंकि मैंने देखिए 2 मैगी का यूज़ किया है, इसलिए इसमें 2 पैकेट में मैगी मसाला के डाल रही हूँ। इसको भी वेजिटेबल में करेंगे अच्छे से मिक्स। अब क्योंकि सॉसेज में और मैगी मसाले में सॉल्ट होता है, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा नमक का मैंने यूज़ किया है, बाकी आपके स्वाद के ऊपर है, आप इस चाहें तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। इसको भी हम करेंगे इसमें अच्छे से मिक्स। गार्लिक चिली मैगी के टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें ऑरिगेनो डाला है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इस स्टेप को आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। इसको भी हम करेंगे इसमें अच्छे से मिक्स। अब देखिए, सारे मसाले और वेजिटेबल्स के अच्छे से भून जाने के बाद अब हम इसमें लास्ट स्टेप में जो हमने मैगी को बॉयल करके रखा था, इसको हम इसमें डालेंगे। और इस स्टेज पर आकर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रख के देखिए, फोर्क की हेल्प से हम इसको इस तरीके से करेंगे अच्छे से मिक्स। हमारा बहुत ही टेस्टी गार्लिक चिली मैगी बनकर रेडी है। देखिए, अब हम इसको सर्व करेंगे।
गार्निश करने के लिए देखिए मैं इसके ऊपर डालूंगी स्प्रिंग अनियन, हमारा बहुत ही टेस्टी बच्चों का फेवरेट सबका फेवरेट चिली गार्लिक नूडल्स कह लीजिए मैगी कह लीजिए बनकर झटपट से रेडी है। सभी की फेवरेट मैगी की इस रेसिपी को एक बार जरूर जरूर ट्राई कीजिए, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे कुछ डिफरेंट रेसिपीज के साथ, कुछ डिलीशियस टेस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।